आप मेरा ऑटो लेके कैसे खड़े हो सकते हैं बताइए, मैंने क्या कसूर किया? देर तक आपने, आपने इस ऑटो वाले को रोका हुआ, आपने मुझे रोका हुआ है, सवारी को रोका हुआ है, कैसे रोक सकते हैं सर? क्योंकि आप जेट प्रोटेक्ट ही है। अरे यार हद हो गई, मुझे नीचे है तुम्हारी जेट प्रोटेक्ट, तुम रखो अपनी जेट प्रोटेक्ट, तुम रखो अपनी जेट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी, ले जाओ तुम्हारी सिक्योरिटी, अपने घर में रखो तुम्हारी, अपने मुख्यमंत्री को दे देना, हार रहा इस बार तुम्हारा मुख्यमंत्री, उसे बोलो थोड़ा घर से बाहर निकला करे। आपके ऊपर धब्बा है, ये गुजरात की सिक्योरिटी के ऊपर धब्बा है कि आप एक ऑटो में एक मुख्यमंत्री को नहीं ले जा सकते, क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है ये, आपको आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं, हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं, ये प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को, आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है आपके नेताओं को, कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर, जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से, हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप, आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ हमें, आपने हमें कैद कर रखा है सिक्योरिटी के लिए सर, कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को, पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जनता में जाना है, मुझे जनता में जाना है, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मुख्यमंत्री को दीजिए, आप अपनी सिक्योरिटी अपने मंत्रियों को दीजिए, मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के बीच में जाऊंगा मैं, आप अपनी सिक्योरिटी अपने पास रखिए, नहीं चाहिए, आपने तो मुझे कैद करके रखा हुआ है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, ये अरेस्ट है, हम सिक्योरिटी, आप मुझे ऑटो में जाने के लिए आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, मैंने आपको लिख के दे दिया मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप जबरदस्ती दे रहे हैं मुझे सिक्योरिटी, मैंने अभी आपको चिट्ठी लिख के दे दी कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आप कह रहे हैं मैं तो दूंगा सिक्योरिटी, तो आप तो मुझे कैद कर रहे हैं, यू आर अरेस्टिंग मी, यू कैन नॉट अरेस्ट मी, मुझे जनता के बीच में जाना है, मैं जनता का आदमी हूँ, मेरे को ऐसी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मेरा मेरे साथ ऊपर वाला है, ऊपर वाले से बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं है, सारे कैमरा के सामने मैंने बोल दिया कि मुझे आपकी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अब आपके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, मुझे कुछ होगा मैं जिम्मेदार हूँ, मेरा भगवान जिम्मेदार है, आपको क्या तकलीफ है? आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दे रहे, आप मुझे अरेस्ट करना चाह रहे हैं, नहीं सर ये अरेस्ट है, आप मेरा ऑटो लेके कैसे खड़े हो सकते हैं बताइए, मैंने क्या कसूर किया? देर तक आपने, आपने इस ऑटो वाले को रोका हुआ, आपने मुझे रोका हुआ है, सवारी को रोका हुआ है, कैसे रोक सकते हैं सर? क्योंकि आप जेट प्रोटेक्ट ही है। अरे यार हद हो गई, मुझे नीचे है तुम्हारी जेट प्रोटेक्ट, तुम रखो अपनी जेट प्रोटेक्ट, तुम रखो अपनी जेट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी, ले जाओ तुम्हारी सिक्योरिटी, अपने घर में रखो तुम्हारी, अपने मुख्यमंत्री को दे देना, हार रहा इस बार तुम्हारा मुख्यमंत्री, उसे बोलो थोड़ा घर से बाहर निकला करे। नमस्ते सर, मेरा नाम विक्रम दंतानी है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे देखी थी जो आप पंजाब में ऑटो रिक्शा ड्राइवर के घर खाना खाने गए थे, मैं भी एक गुजराती हूँ, मेरे घर क्या खाना खाने आओगे सर? जरूर आएंगे, थैंक यू, थैंक पंजाब you. पंजाब के ऑटो वाले के घर गए थे, पंजाब के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं,
गुजरात के ऑटो वाले भी प्यार करते हैं। थैंक यू। तो आज शाम को आए? आज शाम को? हाँ हाँ सर, थैंक यू। कितने बजे? 8 बजे। मुझे लेने आओगे मेरे होटल पे अपने ऑटो में? हाँ हाँ लेने आऊंगा सर। बहुत अच्छा। मेरे साथ गोपाल भाई और इशुदान भी आ जाएं आपके घर खाना खाने? हाँ हाँ सर, हम तीनों आएंगे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। थैंक यू। संवाद हुआ उसमें विक्रम जी ने इच्छा जताई कि मैं उनके घर खाने के लिए आऊं और मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। अभी मैं उनके ऑटो में बैठ के उनके घर खाने के लिए आया, उनके पूरे परिवार से मिला, उनके दादा, उनकी दादी, उनकी पत्नी, उनका बच्चा, उनकी बहन, उनके जीजा जी, सब लोगों से मिला। बहुत अच्छा लगा इनके परिवार से मिलके, और जो खाना खिलाया बिल्कुल जैसे हम अपने घर में बनाते हैं वैसा ही खाना था, बहुत अच्छा खाना था। मैं पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैंने इनके पूरे परिवार को निमंत्रण दिया है। इनकी वाइफ दिल्ली की है, तो जब भी अगली बार दिल्ली आए तो वो मेरे घर पे आए खाने के लिए। जैसे इन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया, मैं भी इनको निमंत्रण देता हूँ कि ये भी मेरे घर खाने के लिए आए।